हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टेक पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए अगर आपने मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है उसको देखिए पूरा कर लिया है, मतलब 1000 आपके सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 4000 घंटे का आपने वॉच टाइम पूरा कर लिया है। अब दोस्तों क्या होता है अगर आपके चैनल पर इस समय कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक आ रही है, मतलब एक स्ट्राइक आपके चैनल पर पड़ रही है, तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या कभी नहीं हो पाएगा, तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर आपने क्राइटेरिया पार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, देखिए और आपके पास स्ट्राइक पड़ रही है तो क्या होगा, जब तक ये स्ट्राइक आपके चैनल पर रहेगी, मतलब जो पहली स्ट्राइक जो आपके चैनल पर आ रही है ये रहती है पूरे 3 महीने तक, ये स्ट्राइक बनी रहती है, मतलब 90 दिन तक स्ट्राइक आपके चैनल पर रहेगी। अगर ये स्ट्राइक पहले से आ रही है और देखिए 1 महीना हो चुका है और आपके चैनल ने क्राइटेरिया पार 1 महीने बाद कराया, मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम हो गया, 1000 सब्सक्राइबर आपके 1 महीने बाद हुए, तो 1 महीने तो देखिए स्ट्राइक के आए हुए हो गए, मतलब आप क्या करेंगे 60 दिन के अंदर, मतलब तब तक आप डिमोनेटाइज नहीं करा पाएंगे जब तक ये स्ट्राइक आपके चैनल पर बनी हुई है। जैसे ये स्ट्राइक देखिए 90 दिन के अंदर ये अपने आप रिमूव हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाएगा अप्लाई करने का, तो आपको डरने की बात नहीं है। देखिए गलती से स्ट्राइक देखिए बहुत से चैनल पड़ती है, हमारे चैनल पर भी स्ट्राइक पड़ी है, तो देखिए कोई वीडियो आपका ऐसा बन जाता है जो आपको पता नहीं रहता और यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ आप काम कर देते हैं तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो नए यूट्यूबर होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, देखिए 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना बहुत मेहनत की बात है दोस्तों, और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना बहुत ही मेहनत की बात है, कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है तब जाके 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका पूरा होता है वीडियोस में। अब देखिए स्ट्राइक जब तक आपके चैनल पर रहेगी ना तब तक आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जब तक ये स्ट्राइक आपके चैनल पर बनी हुई है, मतलब पहली स्ट्राइक आती है वो 90 दिन तक बनी रहती है, जो सेकंड आएगी अगर उसकी टाइम पीरियड पर फिर सेकंड भी आ जाती है फिर उसका टाइम बढ़ जाता है, तो ऐसा ही होगा जब तक आपकी जो स्ट्राइक है वो बनी हुई है आपके चैनल पर, मतलब वो दिखाई देती है डैशबोर्ड में आप वहाँ चेक कर सकते हैं, और जैसे ही रिमूव होगी आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, आपका चैनल अंडर रिव्यू चला जाएगा और आपकी वीडियो में सब कुछ सही होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैं यही आपको बताने वाला था, अगर स्ट्राइक आपके चैनल पर है जब तक वो स्ट्राइक बनी हुई है तब तक आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये मत सोचिए कि हम कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसी वो स्ट्राइक हटेगी आप आसानी से अप्लाई कर देंगे और आपका चैनल आसानी से मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका डाउट था कि स्ट्राइक अगर हमारे चैनल पर आ रही है तो हमारे चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, ये आप क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप मिलेंगे यूट्यूब रिलेटेड और टेक्निक रिलेटेड नई नई वीडियो हर रोज। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो बहुत ही जल्द इजी टाइप विद पंकज में।